नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की अहम खबरें मेरे साथ यानी शिल्पा के साथ। करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने गुरुवार रात जमकर उत्पात मचाया। सड़क निर्माण करवा रहे मुंशी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों में भी आग लगा दी गई। तस्वीरें देखिए आपके सामने। वारदात के बाद सड़क निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। नक्सलियों के आमदई एरिया कमेटी ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। यह घटना छोटे डोंगर थाना क्षेत्र की है। बता दें आपको, नक्सल प्रभावित इलाके मढ़ोनार में करीब 2.5 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य चलाया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों की वेशभूषा में नक्सली वहां पर पहुंच गए। नक्सलियों ने पहले मुंशी संदीप की जमकर पिटाई की और उसके बाद मजदूरों के सामने ही गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नक्सली पहले भी इस सड़क के निर्माण कार्य को बंद करने की चेतावनी दे चुके थे और इस बार उनकी जरूरत इस हद तक बढ़ गई कि वहां पर सड़क बनवा रहे मुंशी को ही उन्होंने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। नारायणपुर से ये तस्वीरें, ये घटना पीएमएसवाई के तहत यानी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस सड़क का वहां पर निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था। नक्सलियों ने यहां ग्रामीणों की वेशभूषा में पहुंचकर तांडव मचाया, जेसीबी को आग लगा दी, अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जगह जगह पर्चे फेंके अपने संदेश के साथ और फिर वहां से 9:00-11:00 हो गए। नक्सलियों के तांडव की तस्वीरें देखिए आपके सामने। एक मुंशी की हत्या उनकी तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा था। सड़क बनवाने वाले मुंशी की मौजूदगी में वहां पर ग्रामीणों की वेशभूषा में नक्सली पहुंच गए और उसके बाद ये सारा तांडव उनकी तरफ से मचाया गया। विजय पचौरी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय, नक्सलियों के इस तांडव की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़क बनवाने वाले मुंशी को मौत के घाट तमाम लोगों के सामने उन्होंने उतार दिया, वाहनों को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। फिलहाल क्या अपडेट, क्या और ताजा जानकारी, किस तरह से मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है? शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर लगातार इन इलाकों में विकास के काम करा रहा है और नक्सली लगातार विकास का विरोध भी करते आए हैं। बीती शाम जो है नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में इन इलाके में पहुंचे जहां पे मुंशी और मजदूर जो काम करते थे और जो दिन भर काम करके अपनी जगह पे सो रहे थे, तभी नक्सली वहां पहुंचे और सबसे पहले तो जो मजदूर थे उनको यहां पे उनको समझाइश दी है कि आज के बाद यहां कोई काम में नहीं आएगा और मुंशी जो ठेकेदार का मुंशी था उसको घर रेस करके उनके सामने ही हत्या कर दी ताकि इनकी दहशत रहे। नक्सली हमेशा ही इन इलाकों में विकास नहीं होने देते क्योंकि विकास होने से उन इलाकों तक पहुंच बढ़ेगी, कैंप की स्थापना हो रही है, इसी को देखते हुए अपनी दहशत को बरकरार रखना चाहते हैं और कई बार नक्सली ऐसा भी करते हैं कि जो ठेकेदार है इन इलाकों में जो काम कर रहा है उनसे उगाही की जाए, अगर जो ठेकेदार देता है वो काम कर पाता है और जो ठेकेदार नहीं देता है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। कि यहाँ पर जब नक्सलियों की तरफ से खुलेआम ये चेतावनी पहले भी दी गई थी, बावजूद इसके यहाँ पर काम करने वाले इस योजना से संबंधित तमाम अधिकारी, तमाम जो लोग लगे हुए थे सड़क निर्माण के कार्य में, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी? शिल्पा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिन में जो है इन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान जाते हैं, रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है, लेकिन शाम का एक ऐसा वक्त होता है जब जवान सुरक्षा देने के बाद में कैंप चले जाते हैं और ये जो काम करके जहाँ पे काम होता है उस इलाके में ये जो मजदूर है, जो उनका मुंशी है वहाँ पे रहता है, तो नक्सलियों को ये जानकारी होती है कि दिन में ऐसा घटना को अंजाम देना उचित नहीं होगा, तो वो एक शाम का समय ढूंढते हैं। यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही फिर से कही जाएगी, क्योंकि इसी बात का तो फायदा नक्सलियों ने उठाया, उन्हें पता था कि लूपहोल कहाँ पर मौजूद है और कहाँ इसका फायदा उठाना है। जी बिल्कुल कृपा, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासन पहुँचता जरूर है लेकिन जहाँ काम चलता है वहाँ वो नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनको भी डर होता है नक्सलियों का इन इलाकों में, क्योंकि ये बहुत दुर्गम इलाके हैं और इन इलाकों में विकास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो कहीं ना कहीं तुम तो कह सकते हैं कृपा जी। यानी कि कुल मिलाकर नक्सली फिलहाल अपने मनसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, दहशत फैलाना उनका मकसद और इस घटना के जरिए एक बार फिर से उन्होंने वही किया है। विजय जी, शिल्पा, कई दिनों से शांत चल रहे नक्सली का लगातार इन इलाकों में जनाधार गिर रहा है क्योंकि जिस हिसाब से
सरकार और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन विकास कर रहा है, उस विकास को देखते हुए नक्सली भी नहीं चाह रहे कि इन इलाकों में विकास हो। उनकी जो जनाधार लगातार कम हो रहा है, उनका जनाधार गिर रहा है। समर्पण नीति की हम बात करें तो लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं, मुठभेड़े हो रही है, तो जवानों के द्वारा नक्सलियों को मार भी गिराया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, उनका जनाधार इन इलाकों से कम हो रहा है। यही वो दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी इसलिए नक्सली इतने बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर वापस से दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश, ताकि डर के साए में ग्रामीण एक बार फिर से जीने को मजबूर हो। बहुत शुक्रिया आपका विजय पचौरी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। वहीं बीजापुर में चलती बस में शुक्रवार सुबह गोली चलने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। गोली जवान की ही राइफल से चली या नहीं चली, फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अचानक ट्रिगर दब गया था, जिस वजह से यह हादसा हो गया। इस घटना में एक अन्य जवान के भी घायल होने की सूचना है। जवान के शव को आवापल्ली अस्पताल ले जाया गया। हादसे के समय बस में अन्य यात्री भी सवार। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो ट्रिगर दबा, जो गोली चली, वो जवान की बंदूक से ही चली या फिर नहीं, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन राइफल का ट्रिगर दबने की वजह से, गोली चलने की वजह से सीधे जवान के सिर में गोली लगी। कैंप से बीजापुर मुख्यालय जवान जा रहे थे, जिस समय ये घटना घटी। बस में गोली चलने के बाद सीआरपीएफ जवान घायल, राइफल का ट्रिगर दबने की वजह से सिर में लगी गोली। इसके अलावा एक और जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। कैंप से बीजापुर मुख्यालय की तरफ ये बस जा रही थी, जिसमें ये तमाम जवान बैठे हुए थे। बीजापुर से ये मामला सामने आया है, राइफल का ट्रिगर दबने की वजह से सिर में गोली लगने की वजह से एक जवान घायल। फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है, गोली कैसे चली, गलती की वजह से ट्रिगर दबा या जानबूझकर ऐसा किया गया, फिलहाल मामले में तफ्तीश के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। विजय पचौरी हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़े हैं। विजय, क्या कुछ अभी तक तथ्य निकलकर सामने आ पाए हैं, स्पष्ट हो पाया है कि गोली गलती से चली या जानबूझकर मारी गई, और गोली चली जवान की ही राइफल से या किसी और की राइफल से? जी शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि बीजापुर जो इलाका है वो नक्सलपुरा इलाका है, और सीआरपीएफ के जवान लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और अब ये जवान जो है वो छुट्टी इनको मिली थी, और छुट्टी लेकर के ये अपने घर जा रहे थे। उसूर थाना में पदस्थ 229 सीआरपीएफ बटालियन के ये जवान थे, और सभी गुप्ता ट्रेवलर्स की बस में बैठ करके बीजापुर की ओर आ रहे थे। तभी आवापल्ली के पास टेढ़े मेढ़े रास्ते होने के कारण में अचानक जो है जवान की जो राइफल थी उससे गोली चली है, जिससे जवान को सीधे माथे में जाके लगी है, और उसको तुरंत ही उपचार के लिए आवापल्ली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और जवान के जो जिस जवान को गोली लगी है उसके बाजू में एक जवान बैठा था, उसको भी हल्की फुल्की चोट लगी जरूर है कृपा। और इस मामले की अभी ना जांच की जा रही है। हालांकि कई जगह से खबरें आ रही थी कि नक्सली हमला है, लेकिन ये नक्सली हमला नहीं है, क्योंकि बस में गोली चली है और माथे में गोली लगने से, क्योंकि सभी जवान मौजूद थे, सभी जवानों ने बताया है कि उसी राइफल से गोली चली है। जी शिल्पा, यानी कि इस हादसे की वजह से एक जवान की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका विजय पचौरी इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ये हादसा था, जो अन्य जवान उस बस में मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि गलती की वजह से ट्रिगर दबा और राइफल की गोली सीधे जवान के सिर में जा लगी, और घायल अवस्था में जब जवान को अस्पताल ले जाया गया, एडमिट कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा एक और जवान जो पास ही में बैठा हुआ था, उसको भी कुछ छर्रे लगे हैं, वो भी घायल है, लेकिन गंभीर स्थिति उनकी नहीं है। तो बीजापुर से ये घटना सामने आई है। पहले शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि नक्सली हमला हो सकता है, लेकिन बस के अंदर जो अन्य तमाम जवान बैठे हुए थे उन्होंने खुद इस बात के बारे में पुष्टि की कि गलती की वजह से ये ट्रिगर दबा, इस वजह से ये हादसा हुआ और जवान की जान गई। वहीं राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की कुल 24 दुकानें बनाई गई हैं, मगर आवंटन महज 13 लोगों को ही मिला है, जिसके विरोध में भाजयुमो कार्यकर्ता और पार्षदों ने काले चौक पर जाकर जमकर प्रदर्शन किया, चक्का जाम लगा दिया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने वहां पर बैठकर चाय बनाई, आते जाते हुए लोगों को वहां पर चाय पिलाई, साथ ही नगर निगम आयुक्त महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
मौके पर मौजूद पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के काफी समझाने बुझाने के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन से ना उठने पर डटे रहे। तस्वीरें देखिए आपके सामने, दरअसल दुकानों के आवंटन को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन वहां पर सड़क पर चक्का जाम करते हुए किया गया था। राजनांदगांव से तस्वीरें सामने आई, काले चौक पर पहुंचकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने ये जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर बैठकर गैस सिलेंडर, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाय बनाई गई, वहां आते जाते तमाम लोगों को, तमाम राहगीरों को चाय पिलाई गई और इस तरह से ये प्रदर्शन जिसे अंजाम दिया गया। एकदम कानून से हुआ है तो 9 लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 22 लोगों को नोटिस देके 24 दुकान बनाए हैं, उसमें से आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? स्वतंत्र एजेंसी को घोषित कीजिए, जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महापौर कितनी ईमानदार है, नगर निगम प्रशासन कितना ईमानदार है, वो सबके सामने आ जाएगा। नगर निगम आयुक्त आए और स्पष्ट करें, यदि नगर निगम आयुक्त तो, जैसे उनकी छवि बनी हुई है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, पूर्व में बड़े बड़े पदों में रहे, अपनी ईमानदारी साबित करें नगर निगम आयुक्त आकर के, कि दुकान लेन देन में आयुक्त की कोई भूमिका नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.